हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। नूर बात कर रहा हूँ, गुलबर्गा से, जर्नलिस्ट, सोशल नमस्कार मीडिया भाई, से। जी, खैरियत? अल्लाह का करम है। एमएलए मैं रिजवान रशद साहब बात कर रहे हैं ना? नहीं बात कर रहा हूँ जी मैं। नहीं, मैं फ़ोन किया था दोपहर में, आप सेशन में बिजी थे। वही हिजाब पे सीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या बात हुई बोल के बात करने की, क्योंकि कोई भी कुछ बात नहीं कर रहा बोलकर चल रहा, तो आप लोग मुलाकात कर कर मेमोरेंडम दिए, तो क्या बात हुई सीएम साहब से, इस बारे में बात करना था। सीएम साहब को हमने बहुत वाजे तौर पर बताया है कि ये जो कंट्रोवर्सी है इसको जी ये जानबूझकर इसको बनाया गया जी जी है। ये कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है। जो 40 साल, 50 साल, 70 साल से लोग जी हिजाब पहन के जा रहे थे, जी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रखा है, जी जी आज अचानक आपने उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं। और वो और एक ये तरफ है, दूसरा जी बोलिए। जो कोर्ट का इंटीम ऑर्डर आया है जी वो ऑर्डर बहुत क्लियर है जी कि सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जिन इंस्टीट्यूशंस में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने तय, जी सो वो तो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं। सर, ऑर्डर इस लेकिन तरह कल हमने से जो है। देखा है, आज और कल जी ये देखा है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में जी उर्दू स्कूल्स बच्चों में भी जा रहे को, हैं हाँ, लोग। स्कार्फ निकाल कर कोर्ट ऑर्डर के बहाने से स्कूल में अंदर आने के लिए कह रहे हैं। जी सर, इस लेकिन तरह से कोर्ट किया ऑर्डर जा की, रहा, इस तरह से किया जा रहा है हमारे गुलबर्गा में भी। कल और आज स्कूल्स में हुआ ये इंसिडेंट, उर्दू स्कूल्स में भी जाकर ये लोग हिजाब नहीं निकालने बताया के लिए गया कहे है, हैं। जी नहीं बताया गया है, और कहा है कि कोर्ट ऑर्डर तो ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक है कि जी सिर्फ उन इंस्टीट्यूशन के लिए जिन्होंने पहले से यूनिफॉर्म बनाया है और जहां से सीबीएसई ने डिसाइड किया है, जी तो आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो जी जी हमने उनसे मुतालबा किया है कि आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को ये क्लियर कट कोर्ट ऑर्डर भिजवाए और बताए कि हर कॉलेज में, हर हर स्कूल में ये नहीं किया जा सकता। जी तो उन्होंने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई है, जी सर, और हमने कहा मगर कि केपीसीसी के प्रेसिडेंट जो डीके सुकुमार साहब हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर इस इशू पर बात नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है आप लोग कहते हैं, मगर डीके सुकुमार साहब हिजाब इशू पर बात नहीं करना, और जमीर अहमद खान ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर उन्होंने माफी मांगने के लिए कहा, ये समझ में नहीं आया सर। देखिए वो अलग चीज है, जमीर भाई का स्टेटमेंट। जी ये जो डीके शिवकुमार साहब ने जो बोला है, ये बोला है कि सब लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे तो इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी तो सब लोग जो बात करेंगे वो जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उस पर होना चाहिए। हर कोई अपने अपने तरीके से बात करेगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी जी वाले वही चाहते हैं। आप कल हमने पूरे 70 ML काला पट्टा पहन करके हमने इसका इस तरह एहतजाज किया है गवर्नर के स्पीच में। तो पार्टी का डिसीशन है, जो पार्टी जो भी करेगी वो एक यूनिफॉर्म तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, ये उनका कहना है अच्छा और वो गलत भी नहीं है। जी ठीक है। और तीसरा, अभी सीनियर लीडर्स की मीटिंग अभी चल रही है जिस पर, इस इशू पर कि कैसे इसको हम फेस करना है, क्या करना है, यह है। और चौथा, जिस बात में आप करके अगर हमने कुछ किया जी तो आज जो हम जो ये आज जिस हालत में पहुंचे हैं ये जज्बात की वजह से ही पहुंचे हैं। जी तो इसको बहुत सोच समझ करके दूरंदेशी के साथ काम करना पड़ेगा कि नहीं तो इसमें आरएसएस और बीजेपी का फायदा होगा। जी सर, असेंबली सेशन चल रहे तो इसके ऊपर, हिजाब के ऊपर अब तक बात नहीं हुई, बात करने वाले हैं नहीं, क्या डिसीजन लिया है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने? जी आज ही शुरू हुआ ना ब्रदर, आज शुरू हुआ है ना, इस पर जी बात तो जरूर हो। आप कैसे, जी आवाम को क्या कहना चाहेंगे सर आपकी जानिब से? आवाम को मैं कहना चाहूंगा कि जज्बाती में आकर के कुछ हासिल नहीं हो सकता, हमें बहुत सोच समझ कर समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। तो एक सोची समझी साजिश है हम लोगों को इसके जरिए बेइज्जत करने की, इसके जरिए हमको कमजोर करने की, इसके जरिए हमको हमारे बच्चियों को जी तालीम हासिल करने से रोकने, जी और ये हम उनके जाल में हम
नहीं थकना है, जज्बात से कुछ नहीं करना है और दूरंदेशी के साथ सोच समझ कर करेंगे और कोई मायूस होने की बात नहीं है इंशाल्लाह। सर सर ईश्वरप्पा ने ट्राइकलर फ्लैग तिरंगे को बदलकर केसरी तिरंगा हो सकता फ्यूचर में नेशनल फ्लैग होगा ऐसा कहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ईश्वरप्पा की मेहरबानी से तिरंगा झंडा थोड़ा ही है जी, लेकिन जो उसने कहा है वो मुल्क के खिलाफ है, ये मुल्क के साथ धोखा है जी। ईश्वरप्पा ने जो कहा है वो उसको हम कतई मानने के लिए कोई भी इस मुल्क से जो करता है मानेगा नहीं। इस तिरंगे झंडे के लिए कई लाख लोगों ने अपने जान की कुर्बानियां दी हैं, आज भी हमारे जो जवान हैं जी सरहद में इस तिरंगे के इस तिरंगे के शान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं महफूज रखने के लिए जी। तो ईश्वरप्पा को सही मायने में उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए था अब तक कैबिनेट में पार्टी से उनकी जी। इन लोगों की हुब्बुल वतनी पर क्या है हमें पता ही है तो हम देशभक्त, लेकिन इस देश को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो यही लोग हैं। तो मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ईश्वरप्पा पे कोई एक्शन देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को असेंबली के अंदर उठाने वाली। थैंक यू सर, थैंक यू, काफी वक्त लिया।